बाघोद स्थित बागेश्वर धाम में शनिवार की रात को लगभग 1 बजे दोबारा चोरी हो गई। डायल 112 पर फोन करके पुलिस को बुलाया गया और मौके पर ही चोर को पकड़ लिया गया। सुबह लगभग 8 बजे कुछ चोरी किया हुआ सामान मंदिर के पास में ही मिल गया और जो नहीं मिला उसके लिए पुलिस लगातार गिरफ्तार किए गए चोर से बार बार पूछताछ कर रही है। चोर को थाने में ले जाया गया और उसके बाद में जिनमें मंदिर में दोबारा पूछताछ के दौरान लाया गया। बागेश्वर धाम के रोशनपुरी महाराज ने बताया कि रात को 1 बजे उन्हें पता चला कि कोई मंदिर में चोरी कर रहा है, तो उन्होंने 112 पर फोन करके पुलिस को बुलाया और मौके पर ही चोर को पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 2018 की साल में इसी शिव धाम में चोरों ने करोड़ों की चोरी कर ली थी। इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी लगाई गई थी, FIR दर्ज हुई थी और पुलिस ने कई दिन तक मामले में छानबीन भी की थी, लेकिन चोरी की कोई बरामदगी नहीं हो पाई। इससे चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कई बार मंदिर में असामाजिक तत्वों के द्वारा गलत हरकतें की जाती है, लेकिन उनके ऊपर अंकुश नहीं लगने की वजह से उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मंदिर में हम सभी असुरक्षित हैं। हम मांग करते हैं कि मंदिर में प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे, चोरों के खिलाफ सत्य शिकंजा कस के चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हनुमानगढ़ और गंगानगर से आए भक्तों ने कहा कि यहाँ पर 500 किलोमीटर दूर से हम चलकर आए हैं। हमारे इस धाम में बड़ी आस्था है और यहाँ पर हजारों किलोमीटर से चलकर भी भक्तजन आते हैं। बड़ा आस्था का केंद्र है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा ना होने की वजह से हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आज की ये जो चोरी की घटना कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। रात में हम 1 बजे उठा जब वालदेव बुरे वारदात मालदेव भगत हलो दो हरियो दे लो दो हमने ले लियो और बाबू देखो तालो टूट रो देख कर बो रहा हमारे जलेरी की भी आधी चांदी तोड़ रखी थी दादा ने भी वो बाहर न मिली भी है चांदी 8-1 बजे बाहर भी हाइट में पड़ी थी सुबह 8 बजे। हाँ सुबह 8 बजे मिली। तो किसने देखी, कैसे पता चला? रमेश ने देखी, वो दुकानदार ने। रमेश दुकानदार को काटने के लिए झाड़ू पड़ी थी वहाँ, तो वही वो सामान पड़ा था। तो क्या लगता है इसमें एक चोर था कई चोर थे? देखो जी कई चोर होना चाहिए कि पड़ी थी के चक्कर तो चोर था भाई साझी थी को बदनाम करने को चक्कर था के चक्कर है तो कोई प्रशासन ने जान सका ही हम तो के बताना थी। तो पुलिस कितने बजे आ गई थी? पुलिस तो जी 1:15 बजे ही आ गई थी। रात को ही? हाँ रात को ही। किसने सूचना दी पुलिस को? हमारे कोई नंबर पर 12 नंबर पर फोन किया। आपने 112 पर फोन किया? तो रात को पुलिस आ गई थी? 15-20 मिनट में पुलिस आ गई थी। तो वो रात को ही पकड़ लिया था चोर? रात को घर से आए दिन के बाद मैं यहीं पीता हूँ बाद में मार दिया यहीं मिल गया। क्या क्या मार था, क्या कुछ चोरी हुआ? चांदी की वो ज्वेलरी का लग रही थी वो ही थी पाड़ी हुई। हाँ जी हाँ। तो ये कोई ताज़ा चांदी आई थी उसके नोटिस में थी, कैसे उसको पता? 1 महीने से आई हुई थी यहाँ, 1 महीना होया हुआ। कितनी चांदी आई थी पीछे? 12 किलो लग रही। 12 किलो के आसपास। तो क्या बरामद कर ली गई है, कहाँ है चांदी, कुछ पता चला? कम है ज़्यादा है? थाना में है जी, कुछ यहाँ लगी हुई है कुछ थाने में है जी। और पुलिस ने यहाँ पर भाई सुरक्षा करनी चाहिए, दारू शराब भी यहाँ डोलते रहते हैं, बताओ हम क्या करें, उठते उठने से पता नहीं कौन क्या कर जाता है यहाँ। जैसे सुरक्षा के लिए पुलिस से कई बार मांग उठी है? कई बार पहले भी डकैती भी हुई है, जब भी मांग रखी थी और यहाँ पर भेजने से कैसे व्यवस्था करनी थी रात को तो खड़ी बोल। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रकाश तंवर है। मैं आपको कई बार देखा जाता है। राजस्थान हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला हूँ और हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जो पड़ोसी जिला है वहाँ से सैकड़ों की तादाद में भगवान भोलेनाथ बागोद धाम और महंत हमारे गुरुदेव रोशनपुरी जी महाराज में जिनकी आस्था है वो लगातार 20-25 वर्षों से यहाँ
सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। अब सैकड़ों की तादाद में तो पहले आते थे, लेकिन अब तो हमने देखा अभी ट्रेन की, ट्रेन में मान लो भी समय समय पर यात्री बहुत हज़ारों की संख्या में, अभी उनकी संख्या जो है यात्रियों की, जो भगवान भोलेनाथ के भक्तों की जो बढ़ गई है। आज जब हम यहाँ स्थान पे बाबा के धाम पे जब पहुँचे, तो सुबह सुबह जब यहाँ हम पहुँचे तो हमें इस बात का, रात को जो चोरी हुई उसके चोरी के बारे में पता लगा, तो सभी जो शिव भगत है उनको वाकई में बहुत पीड़ा हुई ये जानकर भी। जब भोलेनाथ का स्थान सुरक्षित नहीं है तो ये घोर कलयुग के संकेत है। और उसके बाद चलो हम यहाँ आए, पर हमारी भावनाएं भी आहत हुई भी, जब भोलेनाथ सुरक्षित नहीं है तो हम यात्री लोग भी रात को, रात बिरात हम लोग आते हैं, ट्रेनों से आते हैं। और अब तो क्या इस स्थान की मान्यता दिनों दिन बढ़ रही है, तो तीज त्यौहार पे और बड़े जैसे महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ हजारों नहीं लाखों की तादाद में भीड़ हो रही है। और उस भीड़ के देखते हुए भी, जैसे आज छुट्टी का दिन है, हम देखते हैं रविवार और सोमवार को हजारों की संख्या में, अब हम लोग भी 500 किलोमीटर से आए हैं, तो ऐसे हमारे जैसे भी 500 हज़ार किलोमीटर वाले यात्री हम बहुत देखते हैं। तो उन यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए प्रशासन की खुद की मॉरल ड्यूटी बनती है भी यहाँ कोई सुरक्षा के लिए चाक चौबंद की जाए, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। और पहले भी जैसे ज्ञात हुआ है, अभी आज से 5-6 साल पहले 2018 में भी बाबा जी के भी बंदूक की नोक के ऊपर यहाँ पे बाबा जी के यहाँ डकैती की गई, जिसमें कुछ लाखों रुपए के सोना चांदी और कुछ नकदी भी थी। और ये तो चलो भगवान शंकर की मान लो भी कृपा रही, जो हमारे महंत रोशनपुरी जी महाराज, बाबा जी मान लो भी उनकी जान तो बच गई लेकिन माल चला गया। और उस माल का और उस आज तक डकैती का कोई भी आज तक कुछ नहीं पता लगा। और उस वक्त भी बहुत यहाँ लोगों की महापंचायत हुई, पत्रकार बंधुओं ने भी, आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने भी बहुत आगे तक जैसे बात रखी, लेकिन आज तक वो मामला भी डिस्पोज नहीं हुआ है। और आज फिर ये ऐसा मामला हुआ है, तो हम तो ये लोग चाह रहे हैं भी, जो बाबा के भगत है, जो यात्री है, वो लोग चाह रहे हैं भी ऐसी ऐसे इन, पहली बात तो पहले पुराने मामलों का भी कोई निस्तारण करे, जो डकैती की है जिन्होंने ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने इन घटनाओं को जो अंजाम दिया है, उन लोगों को पहले, पहली बात तो भी उन पहले मामलों का निस्तारण करे, ताकि क्या है अभी आगे जो और लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका आगे से हौसला ऐसे ना बढ़े, बार बार ऐसी वारदात ना करे वो। तो इसलिए बस हमारी तो यही है भी, यहाँ या तो पुलिस चौकी की व्यवस्था हो या होमगार्ड्स के जवानों की निरंतर कोई ड्यूटी रहे, जिससे क्या है भी अब बार बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे पीछे भी 2018 में जब 1.25 किलो से सोने से ज़्यादा बड़ा सांप था और नकदी थी, चांदी थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, कितनी चोरी हुई थी? अभी करोड़ों ही चोरी हुई थी जी, उसके मामले बाद में भी हमारी कोई सुरक्षा का यहाँ वो नहीं है। करोड़ों की चोरी हुई थी, पुलिस की ओर से कोई कुछ आउटपुट आया है, कुछ बरामदगी हुई है? और पहले बारे में कोई बरामदगी नहीं हुई, नहीं भाई कोई सुरक्षा की हुई आपके के लिए। हमारे यहाँ दिन पर दिन चोरी जा रही है भाई, छेड़छाड़ होती रहती है, सुरक्षा भी करते, हमारे यात्री भी सुरक्षित नहीं ना, हम सुरक्षित हैं। गजानंद शर्मा हनुमान के राजस्थान से आए हैं और बाबा जी के यहाँ आते हैं, और यहाँ काफ़ी दिनों से चोरी उचक्की हो रहे हैं, कभी कुछ चोरी हो जाता है, कभी कुछ चोरी हो जाती है। बाबू स्थान चार सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ता है, चार जिलों की सीमाएं पे पड़ता है। और यहाँ जो है मतलब अपने हम चौकी की, पुलिस चौकी की मांग करना चाहते हैं। तो पुलिस चौकी हो तो यहाँ पुलिस चौकी हो, सुरक्षा लोगों की सुरक्षा हो और उसे मतलब आम जन को मतलब भयमुक्त हो, और यहाँ धाम की में सुरक्षा की भावना से देखे जाए।